नमस्कार दोस्तों, असली प्राचीन टोटके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जो लड़के कुंवारे हैं, लड़कियां कुंवारे हैं और उनके माता पिता भी दोस्तों उनके लिए परेशान रहते हैं, उनके बच्चों के लिए अभी शादी के लिए रिश्ता नहीं आया। अगर आप भी चाहते हैं जल्दी शादी करना तो दोस्तों मोली के धागे से मैं आपको ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिसका प्रयोग करके दोस्तों आप भी जल्दी शादी के बंधन में बन सकते हैं। मोली का धागा दोस्तों आपको आपके घर पे आसानी से मिल जाएगा। मोली के धागे से दोस्तों वशीकरण कैसे करें आप दोस्तों, मोली के धागे से जल्दी शादी के योग कैसे बनाएं अपनी कुंडली में, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, जो लोग किसी को ज़बरदस्ती अपना बनाना चाहते हैं तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती कभी भी किसी को अपना नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों जो मैं मोली के धागे से आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, इसका प्रयोग करके आप भी दोस्तों जल्दी शादी कर सकते हैं, शादी के बंधन में बन सकते हैं और दोस्तों आपके लिए शादी के लिए रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। जो उपाय आपने करना है ये देखिए, जैसे आप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं और जैसे अमावस होती है उसके दिन कर सकते हैं, एकादशी के दिन कर सकते हैं, पूर्णिमा और सूर्य ग्रहण के दिन भी आप कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप ऐसा करते हैं इन दिनों में तो दोस्तों आपके लिए जल्दी शादी के लिए रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, आजकल हर लड़का और लड़की, पहले दोस्तों उनको पढ़ाई की टेंशन रहती है, पढ़ाई करने के बाद दोस्तों नौकरी की टेंशन रहती है, नौकरी भी मिल जाती है तो दोस्तों उसके बाद शादी की टेंशन रहती है। देखिए दोस्तों, टेंशन लेनी आपकी लाजमी है, क्योंकि दोस्तों देखिए शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें हर लड़का और लड़की को बंधना ही पड़ता है। तो आपको क्या करना है, मोली के धागे से जो उपाय करना है, आपको एक मोली का धागा आपने लेना है अपनी हाइट के अनुसार। जितनी आपकी हाइट है, मान लीजिए दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर आपकी 5 फुट हाइट है तो आपने 5 फुट का ही मोली का धागा लेना है और आपने उस मोली के धागों को दो भागों में बांट देना है। पहले आपने 5 मीटर धागा लिया है जो, तो आपने उसको हाफ कर देना है और एक में आपने 7 गांठ लगा देनी है और जल्दी शादी के मनोकामना को बोलते हुए आपने 7 गांठ लगाकर इस मोली के धागे को आप क्या करिएगा, अगर कहीं पर भी कोई जैसे मंदिर में अगर पीपल का पेड़ है उस पीपल के ऊपर बांध दीजिएगा और उसके बाद आपने क्या करना है, वहीं पर बैठकर आपने अपने साथी को याद करते हुए और आपने एक मंत्र बोलना है, ओम कली कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, भगवान श्री कृष्ण जी का ये मंत्र है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका जल्दी से जल्दी विवाह हो जाएगा। और दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे जो दूसरा आपने धागा लिया था उसका क्या करना है, उसको आप अपनी बाजू पर बांध लीजिएगा। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।